केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री एवं सांसद हमीरपुर अनुराग ठाकुर ने नव वर्ष की प्रदेश वासियों के साथ देशवासियों को बधाई संदेश दिया है। अनुराग ठाकुर ने कामना की है कि नव वर्ष देश की जनता के लिए सफलता, खुशियां और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 रिफॉर्म ईयर के रूप में जाना जाएगा, तो वहीं अब 2021 में इन रिफॉर्म को अमलीजामा पहनाने का समय आया है। नमस्कार, आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नया वर्ष हम सबके जीवन में सफलता, खुशियां, समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है। 2020 में आपदा जैसे कठिन समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को आर्थिक समृद्धि के लिए आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया, जहां एक और 2020 को हम रिफॉर्म ईयर्स के रूप में जानेंगे, वहीं पर नया साल यानी कि 2021 को इस अभियान को मूर्त रूप देने वाला साल मानेंगे। मोदी जी ने कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस, कोल माइनिंग और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में बड़े रिफॉर्म किए हैं, जिनके हमें सकारात्मक और दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। कोरोना महामारी में इस जंग से लड़ने के लिए जहां हमने जान भी जहान भी का नारा दिया, वहीं पर लोगों की जान बचाने का काम भी किया है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब वैक्सीन आने वाली है, घर घर तक पहुंचेगी भी और देश को बचाएंगे भी, कोरोना को हराएंगे भी। आइए 2021 को एक अटल निश्चय के साथ और दृढ़ विश्वास के साथ कदम से कदम मिलाकर समृद्धि और तरक्की के लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहने के लिए मोदी जी के साथ आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में आप अपना सहयोग दें। सुनिश्चित करें, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।